राजस्थान में पाकिस्तान से आए हुए 6 पैर वाले टिड्डों ने कोहराम मचा रखा है। राजस्थान में जोधपुर से जैसलमेर तक पाकिस्तानी टिड्डी से किसान परेशान तो है ही, लेकिन अब ये टिड्डी जालौर में भी प्रवेश कर चुकी है। ये टिड्डी फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रही है और इन पर लगाम लगाना भी काफी कठिन है। 26 साल पहले भी टिड्डी ने खरीफ और रबी की दोनों फसलों को नष्ट कर दिया था। तो इस बीच राजस्थान के कुछ 8 जिलों में पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने फसलें चौपट कर दी। टिड्डी हमले से किसानों का बुरा हाल है। पिछले 3 महीनों की मेहनत और खेती में लगाए लाखों रुपए बर्बाद होने पर यहाँ किसान चिंता में है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में किसानों पर आई इस आफत और टिड्डी हमले से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सोमवार को 3 जिलों में पहुंच रहे हैं। टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने बाड़मेर के बाद अब सीएम गहलोत जैसलमेर के किसानों से रूबरू होंगे। जी को हमारी कैबिनेट की मीटिंग अंदर हमारे बाड़मेर के हरीश चौधरी जी, राजस्व मंत्री जी और हमने खुद ने और हमारे एमएलए साहब ने, हम तीनों ने ये बात रखी है। कैबिनेट के अंदर भी बात रखी थी मैंने और हरीश जी ने कि वास्तव में टिड्डी का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। तो हमने भारत सरकार से ये विशेष मांग की है कि टिड्डी आज से जो 10-15 साल पहले आई थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद में ये टिड्डी पहली बार हुई है और जैसलमेर के किसानों को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद जालौर और जैसलमेर पहुंचेंगे। वो यहाँ प्रभावित किसानों से भी मिलेंगे। इसके बाद वो जालौर जिले के सांचौर के डेढ़वा गांव व तथा जैसलमेर के रामगढ़ में भी टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो यहाँ भी किसानों से रूबरू होंगे। तीनों जिलों में टिड्डी नियंत्रण दल संबंधित विभागों के अधिकारियों व जिला प्रशासन से इस समस्या के प्रभावी निराकरण के लिए चर्चा करेंगे व उनका शाम को जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।